आईपीएल 2021 के दूसरे फेज के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली की टीम आरबीसी को केकेआर के खिलाफ 9 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच के बाद हार जीत से ज्यादा चर्चा काइल जेमिसन की होने लगी। दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए जब 10वें ओवर में बेंगलोर का स्कोर 53-4 हो गया था, तब डकआउट में बैठकर काइल जेमिसन आरबीसी कैंप की ही एक लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, काइल जेमिसन का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ने लगा। इस बीच फैंस ये जानने को बेकरार दिखे कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे विराट कोहली की गेंदबाज नजरें हटा नहीं पा रहे थे। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। वायरल फोटो में दिखने वाली लड़की दरअसल आरबीसी टीम की मसाज थेरेपिस्ट है। उनका नाम नवनीता गौतम है और वो कनाडा की नागरिक है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1992 को वैनकूवर में हुआ था। नवनीता गौतम ने साल 2019 में आरसीबी टीम ज्वाइन किया था, तब वो इस फ्रेंचाइजी की पहली और इकलौती फीमेल सपोर्ट स्टाफ बनी थी। नवनीता बताती है कि उनके लिए किसी ड्रीम जॉब से कम नहीं था। इससे पहले वो ग्लोबल T20 कनाडा टूर्नामेंट पे टोरंटो नेशनल्स टीम के साथ काम कर चुकी है। 29 साल की नवनीता गौतम एशिया कप में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम के स्पोर्ट स्टाफ रह चुकी है। वो अपने प्रोफेशन को लेकर काफी डेडिकेटेड है। जब नवनीता से पूछा गया कि क्या आरसीबी टीम और पूरे आईपीएल में इकलौती महिला स्पोर्ट स्टाफ होने पर उनकी किसी तरह की घबराहट होती है या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये ऐसा है कि 20 भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं, धीरे धीरे ही सही बदलाव हो रहा है। नवनीता गौतम का कहना है कि जब तक आपकी टीम के खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ आपके काम पर भरोसा करते हैं तब तक जेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। नवनीता बाकी पेशेवर महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल है।